أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي रमदान मुबारक के आखिरी कुछ अय्याम बाकी हैं और मुझे यकीन है कि आप सब भी इबादत में मशगूल होंगे और रोज़े और रात की इबादतें जो हैं और दुआओं का सिलसिला जो है वो जारी है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि किसी दुआ का जिक्र किया जाए और कुरान में हमें जो दुआएं जो मिलती हैं, जो एक दुआ जो कि बहुत मकबूल है लोगों में और आम तौर पे लोग जिसे आयत करीमा के नाम से याद करते हैं, वो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। और यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ मुझे यकीन है कि आप लोग सब उससे वाकिफ हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। तो ये जो दुआ है ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसके लोग जो है इस दुआ का विर्द करते हैं, इसकी तस्बीह पढ़ते हैं, कोई मुश्किल होती है क्योंकि हदीस में भी बयान है कि ये दुआ जो है किसी भी मुश्किल में पढ़ी जाए और उसके बाद दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है। तो इस दुआ से हम सब वाकिफ हैं, मगर सच्ची बात मैं अगर आपको ये बताऊं कि बचपन से मैं हमेशा सोचती थी कि ये दुआ किस कदर मुख्तलिफ है, बल्कि जब मैं छोटी थी तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ये दुआ किस तरह से है, क्योंकि आम तौर पे जिस तरह से दुआओं का सिलसिला होता है कि दुआएं जिस तरह से शुरू होती हैं, आपको पता है कि रब्बना अल्लाहुमा अल्लाह ताला को पुकारा जाता है, लेकिन ये दुआ जो है ये बड़ी मुनफरिद है, बहुत यूनिक है इस लिहाज से कि इसके ये शुरू होती है ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। तो आज इस दुआ के बारे में हम एक मुख्तसर सा एक जायजा लेते हैं, क्योंकि मुख्तसर मैं इसलिए कहती हूँ कि अल्लाह सुभान तआला के कलाम जो है वो तो जिसे कहते हैं कि हम वो अल्लाह सुभान तआला की तौफीक ही हो तो हम कुछ समझ सकते हैं और कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि ये दुआ जो है एक अल्लाह सुभान तआला के प्यारे पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम, ये उनकी दुआ है और उनका किस्सा जो है जो आप तफसीरों में आपको मिलेगा कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह ताला के एक नबी थे, अल्लाह का पैगाम लेकर जब अपने लोगों के पास गए तो लोगों ने उनके पैगाम को जो है मुस्तरद कर दिया, जो तौहीद का पैगाम था, और मुसलसल उनकी अल्लाह ताला के पैगाम की तरफ जो दावत थी, ईमान की जो पुकार थी उनकी, वो मुस्तरद करते चले गए, यहाँ तक कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो इंतहाई जिसे कहते हैं कि गम की शिद्दत में थे कि ये उनकी कौम जो है वो उनके पैगाम को जो है वो कबूल नहीं कर रही है। और फिर उसके बाद किस्सा मुख्तसर ये है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जिस तरह से होता है कि आपने दूसरे जैसा के अंबिया के क़िसस जो पढ़े होंगे कि एक हद पर पहुंच कर जो है अल्लाह सुबहान तआला का जो अजाब है उसकी वईद दी जाती है कि तुम अगर अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं लाए तो फिर तुम अल्लाह ताला के अजाब के मुस्तहिक हो जाओगे। इस मामले में यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे उनसे ये जिसे कहते हैं कि एक जल्दबाजी ये हुई कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से पहले ही उनको ठहरना था अपनी कौम में, लेकिन उनसे इस ज़मीन में ये लफ्ज़िश हो गई कि आप जो थे अलैहिस्सलाम हमियत हक के जोश में गजबनाक होकर जो है
और अल्लाह ताला की वाज़े इजाजत मिलने से कबल ही अपनी कौम को छोड़कर निकल आए। और दजला या फरात में से किसी एक दरिया को पार करने के लिए किश्ती में सवार हो गए। जब आप किश्ती में सवार हुए तो फिर उस किश्ती में पहले भी गुंजाइश से ज्यादा भरी हुई थी, तो जब वो बीच दरिया में जाकर किश्ती डोलने लगी और उसके डूब जाने का खतरा पैदा हो गया, तो बोझ कम करने की गर्ज से किसी एक मुसाफिर को दरिया में फेंकने के लिए कुरानदाजी की गई। और एक रिवायत ये भी है कि किश्ती वालों ने ये गुमान किया कि कोई किसी का कोई भागा हुआ शख्स किश्ती में सवार है जिसकी वजह से ये डूबने लगी है। चुनांचे इस मफरूर गुलाम का पता लगाने के लिए कुरानदाजी की गई, और कुरानदाजी जब बार बार वो करते थे तो यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम जो निकलता था, और यूनुस अलैहिस्सलाम को बिलाखिर उन्होंने दरिया में फेंक दिया। और जब दरिया में उनको फेंक दिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको मछली ने निगल लिया, और जाहिर ही बात है कि ये कोई बहुत बड़ी वेल होगी या कोई इस तरह की कोई मछली थी कि जिसके पेट में जो थे यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पाया। और अचानक जिसे कहते हैं ना कि किसी को कोई झंझोड़ दिया जाए, आपके इंसान की जिंदगी में जो ट्रायल्स आते हैं ना, बाज औकात उनकी नौयत ऐसी होती है कि इंसान को जो है एक तरीके से झंझोड़ दिया जाता है, हिला दिया जाता है। और फिर उस आलम में, उस कैफियत में जो दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी उसे हम आयत करीमा कहते हैं, और आज हम वो दुआ जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम दुआ पढ़ें, सूरह सफात की आयतें और फिर उसके बाद सूरतुल अंबिया, दो सूरतों में जो है इनका जिक्र किया गया है इस वाक्य का, तो पहले उन आयतों का हम एक जायजा लेते हैं और फिर उसके बाद जो है एक उस दुआ की तरफ हम चलेंगे। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और यहाँ पर चलते हैं कि हम वइन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, और बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे रसूलों में से थे। यानी अब यूनुस अलैहिस्सलाम का बयान आ रहा है और बताया जा रहा है कि उनका क्या स्टेटस था, कि वो मुरसलीन में से थे यानी जो भेजे गए। इज अबका इलल फुल्किल मशहून, जब वो भाग कर भरी हुई किश्ती की तरफ गए। यानी फुल्किल मशहून का मतलब क्या है, भरी हुई किश्ती। इज जो है जब, अबका का वर्ड बड़ा यूनिक है भागने वाले के लिए, क्योंकि जैसे फर्रा का वर्ड दूसरे अल्फाज भी होते हैं भागने के लिए, लेकिन अबका का जो वर्ड है वो किसी कोई गुलाम जो पट्टे छुड़ा कर अपनी कैद से यानी अपनी गुलामी से निकलने के लिए जो भागता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अबका। तो इस अबका इलल फुल्की, अल्लाह सुभान ताला ने कहा कि वो एक भरी हुई किश्ती की तरफ वो गए। फसाहमा फक्याना मिनल मुदहदीन, और फिर वो कुरान में शरीक हुआ यानी कुरानदाजी की गई। फक्याना के वो हो गए मिनल मुदहदीन, हारने वालों में से, यानी कि वो जिसे कहते हैं कि उनके नाम की कुरानदाजी निकली और उनको पानी में जो है वो फेंक दिया गया। इस मरहले पर आप अगर ये बात सोचिए कि ये अल्लाह सुभान ताला के जिसे कहते हैं कि बुरगजीदा और अजलीलुल कदर जो है नबी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने चुना है, अल्लाह ताला के चुने जिनमें से जिनका इंतखाब किया गया है उनमें शामिल है। हमारे ऊपर जब कोई मुश्किल आती है और या किसी को हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये तो जैसे ये इसकी तो शामत आ गई, उसका तो बैड लक हो गया, और उसके बारे में हम लोग जो है अपनी तरफ से जो है अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं कि क्या इसकी जो है किस्मत की, उसकी लोगों की तकदीर के फैसले जो है हम सुनाने लग जाते हैं। मगर आप यहाँ भी देखिए कि पूरी भरी किश्ती के लोग हैं, आप इमेजिन करें वो अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझ रहे होंगे कि ओ हम देखा शुक्र है हमारी बचत हो गई, और ये बेचारा बदकिस्मत ये जो है ये पकड़ा गया और उनको जो है वो पानी में फेंक दिया गया। इस दुनिया में लोगों के जो आपको जाहिरी मकामात नजर आते हैं
उनकी कोई क्या हैसियत है अल्लाह ताला के सामने, ये एक सीक्रेट है, ये एक राज है। और हम जो हैं इसका अंदाजा नहीं कर सकते कि कौन अल्लाह के पास पहुंचा हुआ है। हो सकता है कि किसी को हम बहुत ही गिरा पड़ा समझ रहे हों और उसका अल्लाह ताला का वो वली हो, और किसी को हम बहुत कुछ समझते हों और उसकी अल्लाह ताला के पास कोई वक्त ना हो। तो ये तमाम फैसले करने वाली जात जो है वो मालिक यौमिद्दीन की है। तो उसके बाद क्या है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का कुरान निकला और उनको जो है वो लूजर्स में से थे, वो हारने वालों में से थे। फल्तकमहुल हूत, और फिर मछली ने उसे निगल लिया, यानी लुकमा बना लिया, मछली ने निगल लिया। वह हुआ मुलीम, और वो खुद मुलामत करने वाला था। अब वह हुआ मुलीम यानी कि मछली ने उनको निगला, और जिसे कहते हैं ना कि आनन फानन इंसान की जो होती है वो पूरी कायनात ही बदल जाती है। कहां यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो निकले और वो एक गुस्से की हालत में थे, लोगों को वार्न करते हुए निकले कि तुम पर अल्लाह का अजाब जो है वो आएगा। और जब वो चले जाते हैं तो उनको पता चलता है, उनकी कौम जो होती है वो सोचती है कि ये तो कोई अल्लाह का बंदा था, ऐसा ना हो कि हम पे कोई अल्लाह का अजाब आ जाए। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की जो कौम होती है वो ईमान ले आती है, और यूनुस अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो वापस पलट कर नहीं जाते। इस उनके ऊपर ये उनके दिल में ये वसवसा आता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कहेंगे तुम तो हमारे बड़ा अजाब की वईद सुना रहे थे, कहाँ है हम पर अजाब। तो वो अपने झुटलाए जाने के, जिसे कहते हैं कि अंदेशे की वजह से, एक तफसीर में ये भी बात बयान की जाती है कि वो वापस नहीं गए। और जब वो जाते हैं और फिर उनको वो उनके नाम का कुरा निकलता है और उनको पानी में जो है वो फेंक दिया जाता है। वह हुआ मुलीम, और वो खुद को मलामत करने वाला था, मतलब कि वो अपनी आप को ब्लेम कर रहे थे। और अचानक, जिसे कहते हैं ना कि ए आनन फानन, जब हालात बदलते हैं, जब एक उनकी आंखें खुलती हैं, उनको वो अपने आप को एक नई जगह पर पाते हैं कि ये हुआ क्या कि उनको पानी में फेंक दिया गया। और कभी किसी को कोई ऐसा मौका, मतलब कभी कोई स्विमिंग पूल में किसी का कोई एकदम से फिसल जाए या कोई हो जाए, आप अगर कभी कोई एक सेकंड के लिए भी कोई पानी में गिरता है तो एकदम, जिसे कहते हैं कि इंसान भोखला जाता है, और उस भोखलाहट से अभी वो क्या रिकवर करते हैं कि एक मछली आई वो उनको निगल लेती है। और फिर वो जब उनको मछली निगल लेती है तो वो अपने आप को एक नई कायनात में अंधेरे दर अंधेरे के अंदर अपने आप को पाते हैं। सोचिए वो क्या दुनिया होगी जिसमें अपने आप को उन्होंने कैद पाया, और एक मछली है जो कि पानी में फिर रही है। आपको पता है कि एक मोशन सिकनेस होती है, और वो उनको लेकर जो है वो फिर रही है और वो कैद हो गए। तो सोचिए कि एक आपके सामने अगर एक मंजर गशी की जाए तो एक इंसान जो है अचानक एक चेंबर के अंदर बंद हो जाए और उसके चारों तरफ अंधेरों ने उसे घेरा हुआ है, और उसको और अचानक वो तेजी के साथ जो है वो मछली फिर रही है, तो कितने उसको चक्कर आएंगे, उसको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। और फिर उस हालत में अल्लाह सुभान ताला कहते हैं फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, फिर अगर ऐसा ना होता कि बेशक वो था तस्बीह करने वालों में, यानी कि अगर वो तस्बीह करने वालों में फलौला कि नहीं होते, अगर वो मुसब्बिहीन में से, मुसब्बिहीन का मतलब कि मुसलसल तस्बीह करने वाले। अब जो है जो यानी जिक्र क्या किया जा रहा है, उस आयत करीमा का, उस दुआ का किया जा रहा है जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने की। अल्लाह ताला ने कहा कि वो अगर ये दुआ ना करते तो ललबिसा फी बतनिही इला यौमी युबअसून, तो यकीनन वो उसके पेट में उस दिन तक जिसमें लोग उठा कर जिंदा किए जाएंगे रहते। ललबिसा यानी वो रहते, फी बतनिही, बतनिही यानी मछली के पेट के अंदर ही जो है वो मछली की तरफ इशारा है। इला मतलब ये हर्फ जर हो गया, इला यौमी युबअसून, वो दिन के जब लोग उठाए जाएंगे उस वक्त तक उस पेट में, वो मछली के पेट में रहते। लेकिन उन्होंने वो दुआ की, और वो दुआ का जिक्र जो है वो सूरतुल अंबिया में किया जाएगा जो अभी हम पढ़ेंगे। तो उनकी इस दुआ का क्या फिर उसके बाद के हालात क्या है, फनबज ना हो बिल आराई। अब सोचिए अल्लाह सुभान ताला ने क्या, फनबज ना हो, हमने फेंक दिया, यानी मछली ने
को मछली ने जो है सुभान अल्लाह, अब आप यहाँ पे देखिए, फल तकमहुल हूत, मछली ने उनको निगल लिया, निगला उनको मछली ने था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का जिक्र किया तो कहा कि हमने फनबज ना हो, फ जो है बताने के लिए सीक्वेंस, और नबज ना जो है यहाँ पर ये अटैच प्रोनाउन है कि हमने फेंका उनको, बिल आराई, आरा का क्या मतलब है कि एक चट्टियल मैदान में, एक जिसे कहते हैं कि खुली जगह हो, ओपन स्पेस, वास्टनेस, बिल आराई वहुआ सकीम, जबकि वो बीमार था, यानी वो बीमार थे। जाहिरी बात है कि एक मछली के पेट में है और सोचें कि वो मछली की क्या खुराक होती होगी और खुराक को जो है हजम करने के लिए कितने डाइजेस्टिव जूसेस, कितना एसिड होगा, और क्या उनकी मोशन सिकनेस, और उसके ऊपर से वो जो उस एसिड के अंदर, उसके अंदर उनकी, उनके ऊपर क्या उसका असर अंदाज होगा कि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो बीमारी की हालत में थे। और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो है वो उसके बाद उसका बताया कि उनके ऊपर क्या नेमतें जो हैं वो जारी हुई, कि वह अंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और हमने उगा दिया उस पर एक दरख्त पौधा बेलदार। तो अंबतना अलैहि, अब आप देखिए कि हाउ द प्रोनाउन हैज चेंज्ड, कि अभी जो था मछली ने उनको निकला था, अल्लाह ताला ने कहा कि हमने फेंका उनको उस बिल आराई, उस, और फिर उसके बाद वह अम्बतना, फिर नून अलिफ ना जो है वो अटैच प्रोनाउन हो गया यहाँ पे, वह अम्बतना अलैही, और उनके ऊपर हमने उगा दिया, यानी कि अब कैसा उसकी शान करीमी देखिए, कि अल्लाह सुबहान तआला की शान करीमी का कौन अंदाजा कर सकता है, जब वो देने पर आता है, जब वो किसी पर रहमत का साया करने के लिए आता है, तो अल्लाह ताला जैसे कहते हैं ना कि एक्सक्लूसिव किसी का कोई नेमत ऐसी अता की जाए जो मखसूस हो उसके लिए, तो अम्बतना अलैहि, उनके ऊपर हमने अम्बतना अलैहि, अला जो है वो क्या है, वो हर्फ जर ही जो है गोज बैक टू यूनुस अलैहि सलाम, कि अलैहि कि उनके ऊपर हमने उगाया शजरतम मिन यक़तीन, ऐसा दरख्त जो कि एक बेलदार था, यानी एक पूरी बेल जो थी वो सायादार, उनको साया देने के लिए जो है उधर उग आई, और उसका फल और उसकी नरिशमेंट उनको जो है वो नसीब हुई। और फिर अल्लाह सुभान तआला ने क्या हुआ, अरसल ना हो, और फिर हमने उनको भेजा, मियाती अल्फिन औ यजीदून, 1,00,000 या उससे भी कोई ज्यादा होंगे, यानी उनकी कौम की तरफ हमने उनको वापस भेजा, फआमनु, और वो सब ईमान ले आए, फमत्तअनाहुम, और फिर हमने उनको फायदा दिया, इलाहीन, एक मुकर्रर वक्त, क्योंकि ज़ाहिरी ज़िंदगी एक मुकर्रर है, लेकिन वो अज़ाब से बच गया और अल्लाह ताला ने उनको जो है ऐश व आराम और सुकून और अमन की जिंदगी जो है एक वक्त तक अता की। तो ये जो थी, ये आयात जो थी, ये सूरह साफ़ात की थी। अब हम उस दुआ की तरफ आते हैं कि जहाँ जो जिक्र किया गया कि आपने देखा कि यहाँ पे जो जिक्र किया गया, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, उस खास तौर पे उस दुआ का, वो क्या दुआ थी, अब इसका जो जिक्र किया है वो सूरतुल अंबिया में अगर हम आते हैं तो वह जन्नून किसे कहते हैं, यानी जिक्र कीजिए, याद कीजिए, यहाँ पे महजूफ है जिस और जिक्र कीजिए, तस्करा कीजिए, किसका, कि जन्नून का, मछली वाले का, और जन्नून जो है मछली वाले को से मुराद ये है कि उनकी निस्बत जो है उस मछली से की जा रही है जिसने उनको निकला था, कि इतना बड़ा वो इवेंट था कि अब उस वाकये का इस तरह से तस्करा किया जा रहा है। इज़ ज़हबा, जब वो चला गया, अब वो अपनी कौम से जब नाराज होके निकल पड़े थे, तो मुगादिबन, गदब कहते हैं ना, गदीबा मगदूब अलैहिम, तो मुगादिबन यानी वो नाराज होकर अपनी शदीद नाराजगी की हालत में चले गए, फजन्ना, और फिर उसने समझा, यानी उनकी अब क्या साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या थी, क्या उनकी मेंटल जो थी उस वक्त वो थी, हालत थी,
فَظَنَّا أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہرگز ہم نہیں ہم تنگی کریں گے اس پر, یعنی کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو تھا اَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ کی جو ہے وہ اس طرح سے تفسیر کی جاتی ہے کہ اللہ نقدر علیہ کی انہوں نے ایک ظن کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں کہ یہ ان کی قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے, اور میں جو ہوں کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ بچا لیے جاتے ہیں, عام طور پہ ان کے لیے ایک حکم ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں وہ جگہ جہاں پہ عذاب آنے والا ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کی پکڑ جو ہے اس سے نہیں ہوتی اس عذاب سے, تو اللہ نقدر علیہ کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں کریں گے اس پر, تو بس ادھر تک بات جو تھی وہ ختم ہو گئی کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ زن کیا. اب جو بات جو کی جاتی ہے یونس علیہ السلام کی کہ ان کے تین قصور تھے جن کی وجہ سے ان پر جو ہے یہ عذاب آیا, مطلب کہنے کا مطلب یہ تفسیروں میں یہ بات جو ہے یہ اندازن کی جا رہی ہے, ایک تو یہ کہ انہوں نے عذاب کے دن کی خود ہی تعین کر لی کہ انہوں نے سوچا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ قوم جو ہے اس کے اوپر عذاب آئے گا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا, یعنی ان کو لگا کہ وہ جس کیفیت میں ہیں اور وہ اب جو ہے وہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ قوم جو ہے ان کی عذاب سے گھر گئی ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ خود اندازہ کیا. حالانکہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو انبیاء اور جو رسول جو بھیجے جاتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں, اس لحاظ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے وہ یہ فیصلے نہیں کرتے کہ جو ہے کہ عذاب ہوگا یا کیا ہوگا, وہ جانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے عبد ہیں اور جو فیصلہ کرنے والی ذات جو ہے وہ جو مقتدر ہے المقتدر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ دن آنے سے پہلے ہجرت کر کے ملک سے نکل گئے تھے, حالانکہ نبی کو اس وقت تک اپنی جگہ نہ چھوڑنی چاہیے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جو تھا ابھی نہیں آیا تھا اور وہ خود جو تھے اب جگہ چھوڑ کے چلے گئے. اور تیسرا یہ کہ جب قوم پر سے عذاب ٹل گیا, یعنی ان کو جب اطلاع مل گئی کہ قوم پر سے عذاب ٹل گیا ہے اور قوم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ کر لی ہے معافی مانگ لی ہے اپنے اس پر اور ایمان لے آئے ہیں, تو وہ واپس نہ گئے, انہوں نے کہا اب میں واپس جاؤں گا تو میں جھٹلایا جاؤں گا, تو جسے کہتے ہیں کہ اپنی ایک ان کی انہوں نے اپنی ججمنٹ جسے کہتے ہیں ایک ایرر آف ججمنٹ جو ہوتی ہے نا اس کی ایک خطا ان سے یہ خطا ہو گئی, جو لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جسے کہتے ہیں نا کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے پاس جتنا بڑا مقام ہوتا ہے نا اتنی جلدی ان کی جو ہے وہ پکڑ بھی ہو جاتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی کلاس ہے آپ کی اس میں ہر طرح کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, ایک اسٹوڈینٹ ہوتا ہے جو کہ بالکل ہی نالائق ہوتا ہے بالکل ہی نہیں پڑھتا ہے, اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوم ورک ہے کیا ہے, مطلب ٹیچر اسی طرح سے بالکل ہی مایوس ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھائی اب اس سے جو ہے وہ کبھی وہ اچھا بھی کوئی کام کر لے گا تو یہ بہت بھائی کمال کیا شکر ہے کہ آج اس نے جو ہے یہ کام کر لیا, لیکن جو ٹاپ موسٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا اسے ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اور اس کی کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو ایک دم سے جو ہوتی ہے وہ جو ٹیچر ہوتی ہے وہ چونک جاتی ہے کہ تم سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی, تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے لیول وہ بہت ہائی ہوتا ہے, تو یونس علیہ السلام کے جو اندازے تھے یا ان کی جو خطا تھی وہ اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ اتنے قریب تھے اور اللہ تعالیٰ کو اتنے عزیز تھے اور اللہ تعالیٰ کے اتنے وہ مقرب تھے کہ وہ ذرا سی ان کی جو خطا جو تھی اس کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں تک پہنچ گئے, اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچتے ہیں تو اس پوائنٹ پر جو ہے وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَظَنَّا أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ کہ وہ جب اس نے سمجھا کہ ہم تنگی نہیں کریں گے ان کے اوپر, فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ تو اس نے پکارا اندھیروں میں,
बड़ा खूबसूरत एक उसलूब है कुरान का। बाज़ औक़ात जो होता है कि कुछ आयतें ऐसी होती हैं कि जिस पे इंसान को ठहर जाना चाहिए और रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये कुरान जो है ये असातीरुल अव्वली नहीं है कि ये पिछले गुजरे हुए लोगों की कहानियां ही हैं खाली, ये सब हमारी कहानियां हैं। और किस इंसान को किस वक्त कहाँ से गुजरना पड़ता है जिंदगी में, और वो उससे रिलेट करता है कि जो अंबिया अकराम की जो कहानियां थी उनका उनकी जो एक जिसे कहते हैं ना एक बशरियत का पहलू जो है जो उजागर किया जाता है, कहाँ कहाँ दुनिया में कौन पीर और कौन फकीर और क्या क्या लोग बन के बैठ जाते हैं, और जैसे हुक्म सादिर कर रहे होते हैं कि जैसे उनको मालूम है कि क्या हो रहा है अल्लाह की दरबार में, और कहाँ आप कुरान खोलिए और कुरान के सफहात में जो है अंबिया इकराम को देखिए और उन अंबिया इकराम की कहानियां पढ़िए और देखिए उनकी बशरियत देखिए, उनकी ह्यूमैनिटी देखिए, उनकी आजिजी देखिए, उनकी इंकिसारी देखिए, उनका झुकना देखिए, उनकी उबूदियत देखिए, और ये उनका मकाम है। जो मकाम है उबूदियत है उससे बढ़कर कोई बड़ा मुकाम नहीं। इसलिए आप देखते हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह सुबहानु ताला लेकर गए मेराज के ऊपर, तो सुबहान अल्लजी असरा बि अब्दिही, मैं अब तस्बीह उस रब की जो ले गया अपने बंदे को अब्द का, यानी ये नहीं कहा कि रसूल को ले गए अम्बिया अब्दिही, सबसे बड़ा मुकाम जो है वो उबूदियत का मुकाम है। और जो जितना अल्लाह का की उबूदियत में झुक गया उसका मुकाम अल्लाह की नजर में उतना बड़ा है। तो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं जो स्टेटस कोई है तो वह उबूदियत का स्टेटस है। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा फनादा फी जुलुमात, नादा नादा का मतलब उसने पुकारा, फी जुलुमात बड़ी बड़ी प्यारी और प्यारा लफ्ज है नादा। नादा का मतलब है जैसे कोई पुकार उठे, कोई अंधेरों की सख्त अंधेरों में जो है इंसान की रूह भटकती है, जब इंसान के ट्रायल्स होते हैं, जब मायूसियां घेरने को आती हैं, जब शैतान के वसवसे इंसान को घेर लेते हैं, जब इंसान को कोई कोई किसी किस्म का भी कोई लॉस होता है, तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ से इंसान जो है वो अंधेरों में जो है वो घिर गया है। उस अंधेरों में फनादा फिर जुलुमात, यानी जुलुमात जो है वो किसे कहते हैं अंधेरों को, उन्होंने पुकारा, क्या उन्होंने पुकारा, अल्लाह इलाह इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिन अज़्ज़ालिमीन। अल्लाह इलाह अल जो है अन है यहाँ पर, वो है के, क्या पुकारा के ला इलाह, के कोई इलाह नहीं है। यहाँ पे ला इलाह में जो जिसे कहते हैं नाफिया दुलिल जिन्स है कि एब्सोल्यूट निगेशन की गई के एब्सोल्यूट ही कोई इलाह कोई शायबा ही नहीं, किसी सेकंड के लिए भी अगर मेरा नफ्स जो है वो मेरा इलाह बन गया था और उसने वो भूल गया था अपने रब को, एक सेकंड के लिए भी अगर मैं एक जिसे कहते हैं ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है ना कि मुझे एक नफ्स के ऊपर मेरे एक पलक झपकने के लिए भी अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे मत छोड़े कि मेरा नफ्स जो है वो फिरौनियत की तरफ जो है इंसान को रागिब करता है, वो इंसान का सबसे बड़ा फिरौन जो होता है उसका नफ्स होता है, और वो कहता है कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा जो हूँ रब हूँ। और ये यूनुस अलैहि सलाम हैं जो गहरे अंधेरों में जो है वो अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं कि ला इलाह, कि नहीं है कोई इलाह इल्ला अंत मगर तू, इल्ला मगर सिर्फ अंत के तू, यानी ये दुआ है जो ये पुकारी जा रही है अपने आप को, जिसे कहते हैं ना कि इंसान चारों तरफ से। अब आप ये सोचिए कि सूरतुल बकरा में भी हमने पढ़ा था कि जो जब लोगों के ऊपर मुसीबत पड़ती है अल्लज़ीना इज़ा असाबत हुम मुसीबतुम, तो उस वक्त वो क्या कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, राइट। तो इन्ना अल्लाह सुभान ताला ने कहा उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से जो है ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग है, सलावात है,
रहमतें हैं, और वह उलाइका हुमुल मुहतदून, और ये लोग हैं जो के राह पाने वाले हैं, जो गाइडेड हैं। तो अब यूनुस अलैहिस्सलाम की आप फिजिकल स्टेट देखिए, जो उनकी जो जाहिरी कैफियत है, वो मछली के पेट में अंधेरों में घिरे हुए हैं, चारों तरफ से वो एसिड सीक्रेट हो रहा है उसका, उनको कुछ पता नहीं है कि वो ये कहाँ जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है, वो तेजी से फिर रही, उसमें कितनी डिसोरिएंटेशन होगी, कितनी जाहिरी तौर पर कितनी डिसोरिएंटेशन होगी, कितने चक्कर आ रहे होंगे, कितना लग रहा होगा कि ये चारों कायनात मेरी जो है वो घूम रही है। और उसमें अपनी जो राह उन्होंने पाई वो अपने रब को पुकारने किससे पाई, जिसे कहते हैं ना कि इंसान जब अल्लाह ताला को पकड़ लेता है तो वो एक जो सहारा जो है अल्लाह सुभान ताला का, चारों तरफ इंसान, अब आप इंसान के जो ट्रायल्स होते हैं वो इंसान अंधेरों की दीवारें चारों तरफ से उसको घेर लेती हैं, और जिसे कहते हैं वो एक एसिड के समंदर के अंदर जो है अपने आप को गर्क होते हुए पा रहे हैं, तो इंसान डूब रहा होता है, डूबने वाले को जो सहारा चाहिए होता है, जो रस्सी चाहिए होती है, जो पकड़ने की होती है, वो अल्लाह के नाम की होती है कि या इलाह, कि तेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, और इंसान जो होता है अपनी राह जो होता है अपने रब के पास पा लेता है। ये है ओरिएंटेशन के, जिसे कहते हैं कि आपको सही अपना जो, जिसे कहते हैं इंसान को अपना ठिकाना मिल जाता है, चाहे पूरी कायनात जो होती है वो डूब रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला को पुकारने से, अल्लाह ताला को पकड़ने से जो होता है इंसान को जो है, क्योंकि उसको क्यों अल्लाह के नाम को वो पकड़ता है और क्यों उस वक्त जो है वो अपने आप को करेक्ट करता है, क्योंकि अल्लाह सुबहान व तआला कितनी भी आपके गिर्द नेगेटिविटी है, कितने भी गिर्द अंधेरे हैं, कितने भी इंसान डूब रहा होता है, अल्लाह सुबहान व तआला की जात उससे बड़ी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा, कि अल्लाह की जात जो है वो बड़ी है, हर मसले से, हर ट्रायल से, हर मुश्किल से, हर आंधी से, हर तूफान से अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह अकबर कबीरा। ये इंसान अपने आप को याद दिलाता है जब वो अल्लाह का नाम लेता है कि अल्लाह के अलावा जो है वो कोई इलाह नहीं है, वो है मेरी रूह का मालिक, वो है तमाम कायनात का मालिक। अल्लाह ताला ने सूरह फुसलत में कहा, कुल इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ध फी यौमैन वतजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। तुम आप कह दीजिए इनसे कि तुम कुफर करते हो उस जात के जिसने दो दिन के अंदर पूरी जमीन मुरतब कर दी, पूरी जमीन जो है उसने जो बना दी, और उसके तुम बराबर ठहराते हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे चारों तरफ के अंधेरे, तुम्हारे चारों तरफ के मसाइल, कोई भी किसी भी मुश्किल में तुम फंसे हुए हो, तुम उसको उस ज्यादा बड़ा समझते हो अब कि वो तुम्हें घेर कर जो है तुम मायूस होते हो, तुम कुफर की हालत में जाते हो, जो दो दिन के अंदर सारी जिसने पूरी जमीन पे जितनी आपको जो कुछ नजर आ रहा है उसने सिर्फ दो दिन में जो है बना डाला, उसके सामने उसको तुम, उसके आगे जो है तुम अंदाद यानी निद उसके उसके बराबर किसी चीज को ठहराते हो, वो रब्बुल आलमीन है, दालिका रब्बुल आलमीन। ये अल्लाह सुबहान ताला की तरफ से रिमाइंडर है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम सोचिए इस हालत में जो है वो अल्लाह को पुकारते हैं और वो कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंत सुबहान, तू पाक है। सुबहान का मतलब जो है आमतौर पर किया जाता है कि तू हर नक्स से पाक है, हर ब्लेम से पाक है। मैं कहती हूँ कि यानी इंसान ये तो ब्लेम होना या कोई नक्स होना तो बहुत दूर की बात है, हम अल्लाह ताला के बारे में अगर अच्छा से बेहतरीन से बेहतरीन तसव्वुर भी कर लें, अल्लाह ताला उससे भी बढ़कर है, हम अल्लाह की बड़ाई से बड़ाई बयान भी कर सकें, उसके जलाल को, उसके जमाल को जो है अपने लफ्जों में, अपनी तमाम दुनिया जहां के अल्फाज, दुनिया जहां की जबानों के एक एक हर्फ को लेकर हम अल्लाह की जो है अगर पाकी बयान करने को आए, उसकी तारीफ करने को आए, उसकी खूबी बयान करने को आए, अल्लाह उससे भी बढ़कर है, क्योंकि लैसा कमिस्लिही शैइउन, क्योंकि कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका अल्लाह सुभान व तआला से मवाजना आप कर सकते हैं।
तो ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका, ये तस्बीह है अल्लाह सुभान व तआला की, कि मेरे दिमाग के कूजे में, मेरे एक्सपीरियंसेस में, आप चीजों को उनके एक्सपीरियंस से जानते हैं, आप तजुर्बे से जानते हैं, हर चीज का एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है कि किसी चीज की लेंथ, ये घर कितना बड़ा था उस घर से ज्यादा बड़ा है, तो आपके जहन में एक कोई ऐसी चीज है जो आप ढूंढ चुके हैं और उससे आप उस चीज को मेजर कर रहे हैं, मगर आप अल्लाह सुबहान तआला से किस चीज को मेजर कर सकते हैं जिसकी किसी सिर्फ सिर्फ किसके रहम का अंदाजा नहीं, जिसके जमाल का अंदाजा नहीं, जिसके कमाल का अंदाजा नहीं, उसकी जात का कौन हिसाब लगा सकता है। तो ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ, यकीनन जो मेरे ऊपर जो मुश्किलात हैं, जो मेरे हालात हैं, जो खिचड़ी पकी है, जो बेड़ा गरक किया है मैंने, जो मेरा गरेबान चाक है, जो मेरी आज हालत है, मैं ज़ालिमों में से हूँ या रब, मैं अंधेरों में हूँ, मैं इन अंधेरों में भटक रहा हूँ। और उसके बाद, इस दुआ के बाद उन्होंने अल्लाह सुबहान व तआला से कहा, ये जो दुआ जो की गई, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, इन्नी बेशक मैं जो है, इन्ना जो होता है वो तौकीद के लिए होता है और जो या है उसके साथ वो अटैच प्रोनाउन हो गया, मिनज़्ज़ालिमीन, मिन जो है इधर हर्फ जर आ गया, ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से हूँ, यकीनन मैंने अपनी जात, जुल्म की कहते हैं किसी चीज को मिसप्लेस, ज़लमा, अंधेरे में ना आप चीजों को मिसप्लेस कर देते हैं, तो हमसे जो होती है ना अंधेरों में, लापरवाही में मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, हम अल्लाह ताला का कभी ये हक अदा ही नहीं कर सकते उसके शुक्र का, और हम अपनी जात पे जुल्म कर बैठते हैं जब हम सोचते हैं कि हमको कोई चीज, शायद हम अपनी मर्जी से जो है कोई चीज हम जो है करते हैं जो कि अल्लाह सुभान तआला को पसंद नहीं होती। अल्लाह सुभान तआला ने कहा ये दुआ, इस इंतहाई खूबसूरत दुआ है और बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि हम सबको हैप्पी एंडिंग्स बहुत अच्छी लगती है ना, तो अल्टीमेट हैप्पी एंडिंग्स है इसमें, यूनुस अलैहिस्सलाम की भी, उनकी कौम की भी, खूबसूरत जिसे कहते हैं कि ये एक किस्सा है। फस्तजबना लहू, हमने कबूल कर ली उसकी दुआ, लहू उसके लिए, यानी उनकी दुआ जो थी उसको हमने रिस्पॉन्ड किया। एक किताब में इमाम इब्ने तैमिया की आई थिंक किताब थी और बहुत साल पहले मैंने पढ़ी थी, वो सिर्फ इसी दुआ के ऊपर थी, और उस दुआ की जो जब उसमें उन्होंने बयान किया था तफसीरों में, कहते हैं कि जब ये दुआ की गई तो फरिश्तों ने कहा, रिपोर्ट किया कि कोई बड़ी अजीब और गरीब जगह से एक दुआ की आवाज आ रही है जो पहले कभी सुनी नहीं गई, यानी ये कौन अल्लाह का बंदा है, क्या उनके पुकारने की शिद्दत थी, और जिसे कहते हैं कि समंदर की गहराइयों में, अंधेरों में, बीच में वो अल्लाह ताला के आगे जो है सिजदे में पड़े ये दुआ कर रहे थे, और अल्लाह सुबहान ताला ने कहा कि हमने उनकी ये दुआ कबूल की, वनजैनाहु मिनल गम, और हमने निजात दी उसको मिनल गम, इससे बड़ा गम क्या, उनका गम क्या था, उनका गम क्या था जिससे हमने उनको जो है वो निजात दी, वनजैनाहु मिनल गम, क्या उनको ये गम था कि वो मछली के पेट में आ गए हैं, मैं इधर कैद हो गया हूँ। हम लोग तो दो मिनट के लिए भी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई आती, हम तो पहले सबसे पहले वही कहते हैं कि ये चीज इस तरह से हो जाए, मैं या अल्लाह ये मेरी ये चीज दूर हो मुझसे, ये चीज जो है ये बीमारी दूर हो, ये मुश्किल दूर हो, ये वो एक उसमें बंद थे। जबकि आपको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जाते हैं जेल में तो वो तो कहते हैं रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदउनी इलैही, मुझे ये सिजन जो है, ये जो कैद है, ये ज्यादा पसंद है बजाय इसके कि मुझे जिस चीज की तरफ बुलाया जा रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो किस्सा है, उनको वो
अंधेरी कोठरी में बंद होना जो था वो ज्यादा अजीज था, बजाय इसके कि वो महलों में बैठ के जो है कोई किसी किस्म की कोई आशी करते। उन्होंने कहा मुझे ये ज्यादा अजीज है। क्यों ज्यादा अजीज था? क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा रब जो है, मैं अपने रब की खयानत नहीं कर रहा, मेरा रब मुझसे राजी है। तो अगर मेरा रब मुझसे राजी है ना, तो ये दुनिया मेरे लिए जो है वो जन्नत है। तो उन्होंने ये बात की। यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे, उनका जो गम ये था, जो जुलुमात फना दाफी जुलुमात, अंधेरे इर्द गिर्द अंधेरे तो थे, लेकिन असल अंधेरा जो था वो ये था, ये खौफ था, ये अंदेशा था, बहुआ मुलीम, जो अपने आप को वो ब्लेम कर रहे थे कि मैं अंधेरों में जो फंस गया हूं, तो मैं अल्लाह से, जो अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, अल्लाह से मैं दूर हो गया हूँ, उस नूर से मैं दूर हो गया हूँ कि अल्लाह ताला की नाराजगी जो थी, उसका गम जो था, वो उनको, उनके अंधेरे जो थे वो कितने भी अंधेरे गहरे हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला के नूर से दूर होना जो था वो असल अंधेरा था जो अंदर से उनको खा रहा था। कितने भी, जिसे कहते हैं कि वो तुर्श और तेजाबी एसिड थे जो उनकी, जो उनकी जो जिल्द थी उसको नोच रहे थे और उनको जो जलन हो रही थी, लेकिन वो अपनी नदामत के जो थे उसमें, अपनी नदामत में ज्यादा वो डूबते चले जा रहे थे। ये गम के, अब जो अल्लाह का आब्द हो, जो अल्लाह का मुकर्रब हो, उसके लिए इससे बड़ी तकलीफ नहीं होती कि मैं अपने रब से जो है वो दूर हो गया हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वह नज्जैनाहु मिनल गम, उन्होंने ये नहीं कहा था कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कि मुझे आप यहाँ से निकाल दीजिए, मैं किधर फंस गया हूँ, उनको ब्लेम करते, वह हुआ मुलीम, वो अपने आप को ब्लेम करते, मुझे ब्लेम करते, ये क्या मुझे उठा के फेंक दिया पानी में, अपने आप को ब्लेम किया। इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, के यकीनन मैं ज़ालिमों में से हूँ, ये नहीं ब्लेम किया कि इसने ये किया था, उसने वो किया था, इब्लीस की तरह किसी को ब्लेम करते, सारा का सारा जो था अपनी जात के ऊपर। शरीफ़ुल नफ्स जो लोग होते हैं वो सबसे पहले अपने आप को जो है देखते हैं कि यकीनन हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है, हम जो है, और अगर अल्लाह सुबहानु ताला ने मुझे जो है माफ नहीं किया, अल्लाह ताला की जो है, यही आदम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि अपनी जात पर ही जुल्म कर बैठे, आपसे दूर हो गए, अपने आप से दूर हो गए, आपसे दूर हो गए, अपने आप से दूर हो गए, अपने खुद टुकड़े कर दिए हमने, अपने खुद गरेबान को चाक कर दिया हमने। और अल्लाह ताला ने कहा व नज्जैनाहु मिनल गम व कज़ालिक, और ये आगे खुशखबरी है, व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरह हम निजात देते हैं सब ईमान वालों को, इसी तरह हम निजात देते हैं सब ईमान वालों को। यानी क्या उनको, यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए क्या खुशखबरी, वो उनके ईमान की अल्लाह ताला ने जो है गवाही दी, के जिसे कहते हैं ना कि ईमान बिल गैब, अंधेरों में होते हुए, उस हालत में होते हुए, तमाम तरफ से उनको, जिसे कहते हैं वो क्रशिंग डार्कनेस है, और वो उस अंधेरों में, उस कैद में जो है उनको यकीन है, किसके ऊपर, अपने रब के ऊपर, अपने रब के ऊपर ईमान है, अपने रब के ऊपर ईमान है कि जो कुछ भी हो जाए मेरा रब जो है उससे बड़ा है, मेरे रब की जात जो है उससे बड़ी है, मैं अपने आप को इसमें डूबने नहीं दे सकता, अंधेरों में, मायूसी के अंधेरों में डूबने नहीं दे सकता, मैं अपने आप को मायूसी के अंधेरों में डूबने नहीं दे सकता, मुझे यकीन है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरा रब जो है उससे बड़ा है, मेरा रब जो है वो बचाने वाला है। अपने रब के साथ जो है हुस्ने ज़न उनका ऐसा था कि अल्लाह ताला ने कहा कि इस हम जो हैं इसी तरह से मोमिनीन को, जो ईमान वाले होते हैं उनको जो है वो निजात देते हैं। तो ये जो थी, ये दुआ थी यूनुस अलैहिस्सलाम की, और ये उनका जो था वो गम था
कि असल गम जो है वो अल्लाह सुभान व तआला से दूरी का गम था। उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, और फिर जिसे कहते हैं ना कि ये जिस तरह से मैंने सूरतुल बकरा में आपसे जिक्र किया कि सूरतुल बकरा में भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है अल्लाह सुभान व तआला ने कितनी चीजों से उधर कहा कि हम टेस्ट करेंगे, मिनल खौफ वल जुई व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस व समरात, कितनी चीजों के साथ अल्लाह ताला ने कहा हम जो है तुम्हें टेस्ट करेंगे। लेकिन जो अल्लाह से जुड़ने वाले होते हैं वो उसके अंदर कैद नहीं होते, उस मछली के पेट के अंदर जो है वो कैद नहीं होते, वो अल्लाह के साथ जुड़ते हैं। वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इसी तरह से यूनुस अलैहिस्सलाम जो है उनको आप देख रहे हैं कि वो अल्लाह को पुकार रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंत, कुछ नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय तेरी जात के, अल्लाह के साथ वो जुड़ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप सूरह फुस्सिलत में जाएं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जो कहते हैं कि हमारा रब जो है, हमारा रब अल्लाह है, रब्बुनल्लाह, तुम इस्तकामो, और उस पे वो इस्तकामत इख्तियार करते हैं, बस इस्तकामत जम जाते हैं उसके ऊपर, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उनके ऊपर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं अल्लाह तखाफु वला तहज़नु, ना खौफ है तुम पर और ना कोई हुज़्न है, व अबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और तुम्हें खुशखबरी, खुश हो जाओ जन्नत के साथ जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिर, हम तुम्हारे औलिया हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर उन्हें खुशखबरी दी जाती है कि वो जन्नत जो होगी वो ऐसी होगी, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और वहां जो तुम्हारे नफ्स चाहेंगे वो तुमको मिलेगा, वलकुम फीहा मा तदऊन, और जो कुछ तुम पुकारोगे वो तुमको जो है वो हासिल होगा। लेकिन इस दुनिया के अंदर जो है सबसे बड़ी जो दौलत है वो अल्लाह सुभान व तआला के साथ जुड़ना है। और ये यूनुस अलैहिस्सलाम की खूबसूरत दुआ, और यूनुस अलैहिस्सलाम की जो, इसीलिए ये दुआ जो है इसके बारे में, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा फस्तजबना लहु, पहली बात ये मुस्तजाब है दुआ, और वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, तमाम मोमिनीन से इसका वादा किया गया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की अहदीस हैं कि मुबारक हैं इसके बारे में कि जो शख्स जो है इसके साथ जो है वो दुआ करेगा अल्लाह ताला से, मैं देख रही थी कि मैंने शायद वो कहीं पर वो हदीस नोट्स में लिखी हो, लेकिन खैर बहरहाल जो शख्स जो है इसके साथ जो दुआ करेगा ईमान के साथ, अल्लाह ताला जो है उसकी दुआ जो है वो कबूल करेंगे और उसकी मुश्किल दूर करेंगे। और आपने देखा ही होगा कि हमारे बड़े और हमारे इस्लाफ जो हैं अक्सर जिसे कहते हैं कि आयत करीमा की तिलावत और आयत करीमा का जो है वो वर्द करने की बात करते हैं, लेकिन बहुत 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 ज़रूरी है कि हम इस दुआ को समझें, इसकी गहराई को समझें, इसके मकाम को समझें, उस कैफियत को समझें जिसमें यह दुआ की गई। और अल्लाह सुभान व तआला से दुआ है कि या रब हमको जो है इस बाबरकत ये रातें हैं, जो जो दुआएं मेरी प्यारी बहनें जो हैं जो सब लोग कर रहे हैं, अल्लाह सुभान व तआला कुरान की रहमत के बदले में या रब उसी के वास्ते से हम जो है आपसे दुआ करते हैं कि सबकी दुआएं कबूल हों, अल्लाह सुभान व तआला जो है सबकी मुश्किलात दूर हों, बरकतों और रहमतों का नुजूल हो, और अल्लाह सुभान व तआला जो है हम पर कुरान के फहम, उसके इदराक और उसकी रहमतों के जो है वो दरवाजे खोले, उसकी शिफा और उसके नूर से हमारे घरों को जो है रोशन करे। तो इंशाल्लाह ताला यहीं पर हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो रोकते हैं, और وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين